मेवानी जी, खासकर उना आंदोलन के जनक, सभागार में उपस्थित बुद्धिजीवी साथियों ये जो प्रोग्राम बहुजन समन्वय के लिए बुलाया गया है, इसी दिशा में हम लोगों ने इसमें श्री भालू प्रसाद सिंह जी, राष्ट्रीय दलित संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष एवं श्री दीप चंद्राम गौतम, कांशी राम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमने भी उनका सहयोग किया था। 8 और 9 तारीख को अंबेडकर भवन में 2 दिवसीय विचार मंथन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 28 गैर राजनीतिक संगठनों ने और तमाम राजनीतिक संगठनों ने भागीदारी की थी, जिसमें सर्वसम्मत से इस बात का फैसला हुआ था कि आने वाले समय में जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन हैं, या तो सभी लोग एक मंच पर एक प्लेटफॉर्म में आकर के अपनी लड़ाई लड़ें, या तो एक अलायंस, एक महागठबंधन सच्चे अर्थों में बना करके इस देश के बहुजन समाज के लोगों के भाग का, किस्मत का फैसला करें। साथियों, इसी दिशा में ये आज का सम्मेलन बुलाया गया है। आज का दौर बहुजन समाज के लिए संकट का दौर है। मनवादी ब्राह्मणवादी ताकतें सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत होती जा रही हैं, और संविधान बदलने तक की बात वो करने लगे हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात करने लगे हैं। ये अंदरूनी बातें हैं। कैसे समय में हम लोगों को भी निर्णायक भूमिका अदा करनी पड़ेगी। साथियों, इस देश के अंदर जिन नेताओं पर हमारे समाज के लोगों ने विश्वास किया, जिनको अपना खून पसीना दिया, समय दिया, पैसा दिया, वो लोग MLA MP बनने के बाद में भाजपा के नेताओं की चाणक्यता में लगे हुए हैं, और कुछ हमारे समाज के नेता जिन्होंने बहुजन समाज के दलितों को उद्धार का ठेका ले लिया था, उन लोगों ने टिकट बेचने तक का घिनौना काम शुरू कर दिया था। साथियों, अगर हम अंबेडकरवादी को टिकट नहीं देते हैं, मनवादी टिकट खरीद लेता है पैसे के बल पर, गुंडा डकैत बदमाश अगर टिकट खरीद लेता है, चुनाव जीत जाता है, तो डकैत अपने गैंग को मजबूत करेगा, माफिया अपना गिरोह मजबूत करेगा, और वो मजबूत होकर के हमारे समाज के ऊपर अत्याचार करेगी। तो साथियों, इन चीजों को खत्म करना होगा, और हम 4 या 5 नवंबर को, अभी डेट निश्चित नहीं हुई है, हम देशभर से उन तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन के मुखियाओं को बुलाएंगे, और एक महागठबंधन बना करके आप लोगों के सामने अपनी आप लोगों के सामने जो हमारे लक्ष्य है कि कैसे हमको 2019 की लोकसभा के चुनाव में तथा आने वाले विधानसभा के चुनाव में लड़ाई लड़नी है, एक रूपरेखा आप लोग सामने रखेंगे। साथियों, क्योंकि हम लोगों ने तय कर लिया है, जिसमें निस्वार्थ भाव से ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग जो अपने जीवन को न्यौछावर कर देना चाहते हैं, वो लोग हम लोगों के संपर्क में हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे समाज के लोगों ने निस्वार्थ भाव से माननीय कांशीराम साहब का साथ दिया है, बहन मायावती जी का निस्वार्थ भाव से साथ दिया है, लोगों ने अपने को बर्बाद कर दिया है, घर परिवार छोड़ दिया है, ऐसे लोग आज कहीं नहीं पूछे जा रहे हैं। हमको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि संगठन में, किसी भी संगठन में व्यक्ति प्रधान नहीं होना चाहिए, सिद्धांत प्रधान होना चाहिए। सिद्धांत ही उस नेता को गवर्न करे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना मजबूत शक्तिशाली हो जाता है कि संगठन धरा का धरा रह जाता है, और वो मनमानी चलाने लगता है, जैसा आप इस समय वर्तमान दौर में देख रहे हैं।
तो साथियों हम लोग एकजुट होना है, संकल्प लेना है, सबको मजबूर करना है, उन नेता और छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्राध्यक्षों को मजबूर करना है कि आप एक मंच बनाइए, महागठबंधन बनाइए या तमाम पार्टियां विलीन होकर के एक जो है नई राजनीतिक पार्टी बनाया जाए, जिसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।